बारे में आप लोगों को जानकारी होगी ही कि दिन के किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, और इसकी सबसे बड़ी खूबी है वह इनका जो पताका है ऊपर का, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहती है, जो कि अभी भी बह रही है। पर यात्रियों के विश्राम के लिए जगह है, लाइन सिस्टम है। अभी मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल के लिए शायद कोई काउंटर होगा। अभी मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ, मोबाइल अंदर ले जाने का अलाव नहीं था इसलिए मोबाइल यहीं पर रख दिया था। और काफ़ी भीड़ थी अंदर, लेकिन यहाँ की प्रशासन सपोर्ट वाले थे तो लाइन में नहीं लगना पड़ा, उस कारण से उन्हें मैंने बताया कि मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग से चारधाम का पैदल यात्रा पर निकला हूँ, तो उन्होंने लाइन में लगने से मना कर दिया, बोले डायरेक्ट आप आ जाइए अंदर। अभी हम लोग सिंह द्वार में हैं, तो अंदर तो मोबाइल ले जाने नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को बाहर से ही दर्शन करा दूं। और इसके मंदिर के ऊपर जो चक्र है वो आप मंदिर के किसी भी साइड चले जाइए तो वो चक्र आप ही के तरफ दिखाई देगा। और मंदिर के ऊपर आपको गुंबद के ऊपर से कोई चिड़िया नजर नहीं आएगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सिंह द्वार से साउथ गेट, यहाँ पर ही आपको रुद्राक्ष और कस्तूरी ये सारा चीज अवेलेबल है। और ये रसोई घर है, श्री जगन्नाथ धाम का रसोई घर है ये वाली। Turn left to stay on Jagannath Temple Road. आइए थोड़ा ये खाजा वाले भैया से बात किया जाए। अभी हम लोग मंदिर के दक्षिण द्वार में पहुंच गए हैं, साउथ गेट है ये। और ये गेट राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया था उस जमाने में। ये मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है गोल्डन बीच। और उस साइड फॉरेनर बीच है।